बताओ कि जीवन में पुष्प सुगंध लाने के लिए कांटों पे तो चलना ही होगा ना तक्ष। अपने सभी दुख और पीड़ा हमें अपने अंतर मन में छिपा कर रखनी होगी। आश्रम में आने वाली कठिनाइयों का हम मिलकर सामना करेंगे। किसी से भी अपनी समस्याएं नहीं कहेंगे, ना माताओं से, ना पिताओं से, ना दादियों से, और विशेषकर ज्येष्ठ पिताश्री से, अन्यथा वो हमारे प्रेम में दुर्बल पड़ जाएंगे ना। अपने आंसू पोंछ लो और मेरे साथ चलो। और हम ये भी नहीं बताएंगे कि मुझे मेरे स्नान करने के जल में गुलाब की पंखुड़ियां चाहिए। अरे मेरे भोले अनुज, गुलाब की पंखुड़ियां नहीं, पूरा उपवन तुम्हारे साथ जाएगा। समझो हमारे लिए आश्रम में सभी सुख सुविधा का प्रबंध हो गया। अभी एक ही प्रतीक्षा है, जिनसे ज्येष्ठ पिताश्री इतने प्रभावित है, उन लवकुश का सामना। माँ, आज के बाद आप कभी भी अपने प्रेम और संस्कारों पर कोई भी प्रश्न नहीं उठाएंगी, किंतु हमारे प्रश्न का उत्तर तो दीजिए माँ, कि आप और पिताश्री अलग क्यों हुए? क्यों आपने हमसे ये कहा कि पिताश्री तपस्या में है? एक महान लक्ष्य के लिए अपने परिवार और अपने संतान से दूर रहना भी तो तप ही है ना, है ना कुश? एक महान उद्देश्य के लिए हम दोनों अपनी इच्छा से अलग हुए हैं। आप हमें वो उद्देश्य को कारण क्यों नहीं बता देती माँ? क्योंकि उपयुक्त समय नहीं आया है लव। पात्र जल को संभाल सके उसके लिए उसका तपना आवश्यक होता है। यदि कच्ची मिट्टी के पात्र में जल को डाल दिया जाए तो वही जल उसे नष्ट कर देता है। उसी प्रकार ज्ञान भी होता है, उसे उचित अनुचित के विवेक से साधा जाता है। कुछ ही दिन पूर्व आपको श्री राम की शक्ति में संदेह था, उस शक्ति पर विश्वास हुआ एक चमत्कार से। परंतु हर बार चमत्कार नहीं होते ना, और ज्ञान तो वो अमृत है जो हमें जीवन जीने का मार्ग देता है। परंतु समुचित विवेक ना होने की स्थिति में वही ज्ञान विष बनकर अनुचित पथ पर भी ले जा सकता है। ऐसा नहीं कि आप दोनों में विवेक नहीं, परंतु उस विवेक के और बलि होने की आवश्यकता है। जब समय आएगा तो मैं संपूर्ण सत्य विस्तार में तुम्हें बताऊंगा, परंतु तब तक आप दोनों अपने पिताश्री के संदर्भ में मुझसे कुछ नहीं पूछेंगे और ना ही जिज्ञासावश कोई ऐसा कार्य करेंगे जिससे आपकी माता का शीश झुके। वचन दो। वचन दिया माँ। अब मैं आपसे पिताश्री के विषय में तब तक कुछ नहीं पूछूंगा जब तक आप स्वयं बताने को सज्ज ना हो। मैं भी आपको वचन देता हूँ माँ, ठीक है भैया? जब माँ हमें डांटती है हमसे अधिक पीड़ा उन्हें होती है। माता होती ही ऐसी है,
अपनी संतान को पीड़ा में देख ही नहीं सकती। विचार यदि मन को व्याकुल करे तो विमर्श कर लेना चाहिए। कहिए, क्या कहना चाहती है? ज्येष्ठ श्री, सबकी व्याकुलता कैसे समझ लेते हैं आप? अपने परिवार की आशा और अपेक्षा को समझना मेरा कर्तव्य भी है और दायित्व भी। आप निसंकोच होकर कहिए, क्या कहना चाहती है? कहीं मेरे निर्णय पर कोई संदेह तो नहीं? नहीं नहीं ज्येष्ठ श्री, आपका निर्णय तो सदा परिवार के हित में ही है। हमारा केवल एक निवेदन था। यदि हमें राजकुमारों के साथ उनकी दैनिक आवश्यकताओं की कुछ सामग्री भिजवाने की अनुमति हो तो? अधिक कुछ नहीं, बस सुबह और तक्ष के लिए थोड़े से लड्डू। अंगद और पुष्कर के लिए उनके प्रिय वस्त्र। बालकों के विश्राम करने के लिए कुछ बिछौने और कुछ पादुकाएं, कुछ भोजन के पात्र, बस इतना ही। प्रतीत होता है कि इन सब सामग्रियों का प्रबंध किया जा चुका है। वो तो इसलिए ताकि आपके पुत्रों को आश्रम जाने में विलंब ना हो ज्येष्ठ। किंतु यदि आपकी आज्ञा नहीं है तो हम कुछ सामग्री उतरवा लेंगे। कुछ सामग्री नहीं पुत्री, सारी सामग्री उतरवानी पड़ेगी। गुरुकुल का जीवन भिन्न होता है, वहाँ ये राजसी वैभव सुख सुविधाएं नहीं चलेंगी। गुरुदेव आपत्ति करेंगे। किंतु मुझे कोई आपत्ति नहीं माता। एक माता को अपनी संतान के लिए चिंतित होने का पूर्ण अधिकार होता है। राजकुमारों के लिए जो आश्रम में सामग्री भिजवाई जा रही वो भौतिक संसाधन नहीं, इनकी ममता है। जैसे मुझे प्रतिदिन भोजन कराना, आपकी ममता। कंदमूल खाकर मैं प्रसन्न हूं, किंतु मुझे ये खाता देख आपका हृदय व्याकुल होता है ना मां? माँ और ममता के मध्य तो महादेव भी नहीं आ सकते, ये राम कहां से आएगा? आपको जो कुछ भी भिजवाना है उसकी अनुमति है। धन्यवाद जयश्री, मैं अभी उनके जाने का प्रबंध देख कर आती हूँ। उर्मिला, थोड़ा सा स्थान बचा के रखना, मुझे भी कुछ सामग्री आश्रम में भिजवानी है। बहुओं का तो समझ में आया, पर आश्रम में तुम ऐसा क्या भिजवाना चाहते हो? जो सामग्री मैं भिजवाने वाला हूं वो निश्चित करेगा कि राजकुमारों को आश्रम भेजने का मेरा निर्णय
संतोषजनक था या नहीं? आशा, लवकुश के आश्रम से उत्तर संतोषजनक आए। ऐसा विचित्र प्रश्न सामने खड़ा है ना भैया। सदैव यही आशा करता रहा मैं कि जिस दिन पिताश्री की तपस्या पूर्ण होगी वो हमारे पास लौट आएंगे। कल्पना तो मेरी भी यही थी कुश, तुम्हें बताया नहीं कभी, किंतु प्रतिदिन सूर्योदय होते ही सबसे पहले मैं आश्रम के प्रवेश द्वार को जाकर देखता हूँ कि कहीं ऐसा तो नहीं कि आज हमारे पिताश्री आ गए हो और प्रतीक्षा में हो कि कब उनके पुत्र आए और उनके लिए आश्रम का द्वार खोले। बताया नहीं आपने, पर मैं जानता हूं। कैसे? क्योंकि आपके द्वार से चले जाने के पश्चात प्रतिदिन मैं भी वही करता था, किंतु आज पता चला कि पिताश्री तप में नहीं, वो और माँ एक विशेष उद्देश्य से अलग हुए, और यदि ऐसा है तो कदाचित वो कभी नहीं लौटेंगे। कदाचित ये हमारी ही भूल थी, बिना उनसे मिले बिना उन्हें देखे हमने अपने हृदय में उनकी एक छवि बना ली थी। हाँ, हमने अपनी कल्पना में उन्हें श्री राम जैसा मान लिया था। स्मरण है जब माँ ने हमें अपने पिता की छवि की कल्पना करने को कहा था तब हमने श्री राम के प्रतिबिंब को देखा था, किंतु अब आभास हुआ कि हमारे पिता श्री राम के समान नहीं होंगे। हम कभी नहीं जान पाएंगे कि हमारे पिता कैसे दिखते हैं, वो कौन है, क्योंकि हमने हमारी माता को वचन जो दिया है। कुश, हमने माँ को वचन दिया कि हम उनसे पिताश्री के विषय में कुछ नहीं पूछेंगे, ये तो नहीं कि हम उन्हें ढूंढने का और कोई मार्ग नहीं खोजेंगे। क्या कहा? हमें अपने पिताश्री से मिलवाने की साध्य बनेगी ये रामायण। वो कैसे? मैंने स्वयं महर्षि वाल्मीकि को कहते सुना था। केवल रामायण ही है जो उन्हें उनके पिता तक पहुंचाएगी और उनकी अपने पिता से पहचान कराएगी। अब केवल रामायण ही हमें हमारे माता पिता के अलग होने का कारण समझा सकती है। कदाचित इस ग्रंथ का हमारे पाठ्यक्रम में सम्मिलित होना और इसका अध्ययन उन 6 राजकुमारों के साथ आरंभ होना, ये सब नियति का खेल हो जो परस्पर जुड़ा हुआ है। ठीक है, आज से हमारे जीवन का केवल एक ही उद्देश्य होगा, रामायण। इसमें छिपे संकेतों से हम हमारे पिताश्री की पहेली को ढूंढ निकालेंगे और रामायण की सीख से हम अपने माता पिता को पुनः एक डोर में बांध देंगे।